हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। इससे पहले हमने आपको रिकॉर्डिंग के बारे में बताया, जिसमें लगभग 4 और 5 वीडियो में हमने कंप्लीट वीडियो करके आपको रिकॉर्डिंग बताया, और इसके अतिरिक्त बताया कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, और उनका जो सॉल्यूशन सॉल्व्ड पेपर था वो भी हमने आपको प्रोवाइड कराया। अब उसके पश्चात में चैप्टर 2 आपका इंग्लिश ग्रामर का जो चैप्टर 2 है वो स्टार्ट होता है, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उस पार्ट ऑफ स्पीच में 8 पार्ट बताए गए हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन और इंटरजेक्शन, 8 प्रकार की पार्ट ऑफ स्पीच बताई गई है। उनमें से पहला प्रकार नाउन के बारे में आज हम बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नाउन अगर देखा जाए स्पेशली किसी भी एग्जाम में, कंपिटिटिव एग्जाम में, या फिर 6 to 8, 6 to 12 ये पार्ट ऑफ स्पीच बताई जाती है, और इनकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अगर देखेंगे स्पेशली अगर टेट सुपर टेट में भी देखेंगे तो सबसे पहले यही इन पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में ही पूछा जाता है। दोस्तों आज इसके बारे में शॉर्ट वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। इसको आपको 2 या 3 बार देखना है, और जिससे कि ये आपको अच्छी तरीके से याद हो सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाउन, संज्ञा। नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, और संज्ञा की जो परिभाषा है वो ये यहाँ पर हमने लिख दी है, संज्ञा की परिभाषा। तो हिंदी में सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा समझते हैं। जीवित, देखें दोस्तों इसकी हिंदी में परिभाषा क्या होगी, यानी जीवित, यानी जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, उसके अतिरिक्त जो मृत वस्तुएं हैं, यानी चाहे वो उनमें जीवन हो या फिर वो डेडली, यानी चाहे वो मरी हुई हों, चाहे वो मूर्त हो। मूर्त मीन्स होता है दिखने वाली। यदि कोई भी वस्तु, वस्तु, व्यक्ति या वस्तु स्थान, कोई भी दिखने वाली जितनी भी चीजें हैं वो नाउन कहलाती हैं। तथा अमूर्त, यानी जो चीजें हमें दिखती नहीं हैं, जो चीजें हमें दिखती हैं, जो चीजें नहीं दिखती हैं वस्तुओं, यानी अमूर्त वस्तुएं, जो जो वस्तुएं हमें दिखती हैं, जो वस्तुएं हमें नहीं दिखती हैं, तथा एवं प्राणी, जितनी भी प्राणी हैं, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, जितने भी संसार में प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, तथा जो भी स्थान है, इन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बिल्कुल इसी, यानी अगर पूछा जाए संज्ञा क्या है, तो इस संसार में जितनी भी चीजें आपके आसपास, जो आप देख सकते हैं, जो नहीं देख सकते हैं, यानी सभी चीजें क्या है, संज्ञा है। तो अगर 5 संख्याओं के 5 अगर संज्ञा के नाम बताने के लिए कहा जाए, तो आप इजीली बता सकते हैं कि आपके चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सभी क्या, संज्ञा कहलाएंगी। इंग्लिश में इसकी परिभाषा बता दी गई दोस्तों, नाउन, द नाउन, द नाउन इज द नेम। नाउन क्या है, यानी संज्ञा क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन, यानी जितने भी लोग हैं उन सभी के नाम को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है संज्ञा बोला जाता है। किसी का नाम है, कोई भी स्थान है, कोई भी वस्तु है, यानी प्राणियों के नाम को, किसी भी स्थान को, किसी भी वस्तु को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। यानी संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सभी संज्ञा ही हैं। तो बिल्कुल इजी है। अब इन जो ये नाउन है, नाउन को 5 पार्ट में बांट दिया गया है, उसको अलग अलग जो है कैटेगराइज कर दिया गया है, जिसमें फर्स्ट जो कैटेगरी बनाई गई है वो प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक, जो स्पेशली किसी भी व्यक्ति, एक विशेष व्यक्ति, सभी जितने भी व्यक्ति हैं उनमें से जो एक विशेष व्यक्ति होती है, यानी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु को इंडिकेट करता है प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। देखो
किसी विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, वो प्रॉपर नाउन बोला जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है। अगर बात करेंगे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में क्या आ जाता है, तो कॉमन नाउन को हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी भी जात या वर्ग का बोध कराती है। जैसे कोई भी वर्ग, जैसे ये पेन है तो ये एक जाति है, हम इस बोर्ड को पेन नहीं बोल सकते हैं दोस्तों। ये बोर्ड एक प्रकार की इसका एक वर्ग है कि पेन का वर्ग, हम पेन को पेन ही बोल सकते हैं और बोर्ड को हम बोर्ड ही बोलेंगे। अगर कोई भी किसी का नाम ले लिया जाए, जैसे गीता या फिर शीला, अगर नाम ले लिया जाए तो वो स्पेशली, अगर नाम लिया जाएगा तो वो लड़की की जाति का जो है बोध कराएगा। अगर कोई लड़के का नाम ले लिया जाएगा तो लड़की की जाति का बोध कराएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं प्रॉपर नाउन को छोड़ करके सभी कॉमन नाउन हैं। यानी संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर नाउन को छोड़ करके सभी जितनी चीज़ें हैं वो सभी किस में आती, जातिवाचक संज्ञा में आती। जैसे बुक, बुक क्या हो गया, एक अलग प्रकार की है, एक वस्तु है। हम बुक को, किताब को, किताब जो किताब होती, किताब को किताब ही कहेंगे, उसको पेन नहीं बोल सकते क्योंकि उसका वर्ग अलग है। पेन एक अलग वर्ग है, बर्ड यानी चिड़िया जो कि एक अलग जाति को दर्शाती हैं, एनिमल जो जितने भी एनिमल हैं चाहे वो शेर हो, कुत्ता हो, भालू हो, ये सभी अपने अपने अलग कैटेगरी में रहते हैं। मैन जो व्यक्ति होते हैं वो भी अलग। अगर नदियाँ हैं तो नदियों की अलग एक वर्ग होता है, नदियों का एक अलग वर्ग होता है। यानी अगर नहर है तो नहर को हम नदी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि नहरों का निर्माण किया जाता है, नहर सेल्फ मेड होते हैं यानी ये मानव निर्मित होती हैं, जो नहर होती हैं वो मानव निर्मित होती हैं, जबकि जो नदियां होती हैं वो प्रकृति के द्वारा स्वयं अपना रास्ता बनाती हैं। तो इसीलिए रिवर की अलग कैटेगरी होती है, नहर जो कैनल्स होती हैं वो उनकी अलग कैटेगरी होती है, बिल्डिंग अलग इनकी एक कैटेगरी होगी, बॉयज गर्ल्स मिल्क बटर इन सभी की अलग कैटेगरी होती है, इसीलिए कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब इसके बाद में तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो कलेक्टिव नाउन को हम समूहवाचक, कलेक्टिव से कलेक्ट करना, कलेक्ट में से होता है गैदर करना, किसी भी चीज को एकत्रित करने को हम कलेक्ट कहते हैं और इन एकत्रित जो चीजें होती हैं जो एक समूह को दर्शाती हैं उन्हें हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, समूहवाचक, इसको बोलते हैं समूहवाचक। तो दोस्तों समूहवाचक में क्या हो जाएगा, क्लास। लेकिन 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 अगर हम क्लास में ईएस लगा देंगे तो एक क्लासेस हो जाएगा। क्लासेस का मतलब क्या हो जाएगा, ये एक बोध कराएगा किसका, अगर हम क्लास लिखेंगे तो ये तो हो गया कलेक्टिव नाउन। लेकिन अगर इसमें क्लासेस लिख दिया जाता है, ईएस लग जाएगा, तो ये स्पेशली एक क्लास का बोध कराएगा यानी एक कक्षा का बोध कराएगा जो कि आ जाएगा किसमें, जातिवाचक संज्ञा में। ये दोस्तों अगर हम इसको बहुवचन बनाते हैं, अगर इसको हम प्लूरल में लिख देते हैं तो ये चेंज हो जाता है, कलेक्टिव नाउन चेंज हो जाता है हमारा किसमें, कॉमन नाउन में। जैसे आर्मी, आर्मी क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। लेकिन अगर आर्मीज कह देंगे तो वो एक स्पेशली क्या कैटेगरी हो गई, वो जाति हो गई, एक वर्ग हो गया। टीम, लेकिन अगर टीम्स कर देंगे तो एक वर्ग हो जाएगा। यानी अगर हम इसको बहुवचन बनाते हैं, समूहवाचक जो संज्ञाएं हैं जैसे क्लास हो गया, आर्मी, टीम, फैमिली, लाइब्रेरी, अगर इसको हम बहुवचन बनाते हैं दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा कॉमन नाउन में। तो अभी इसके बाद में भी हम बताएंगे क्योंकि ये तो इजी होता है, ये अधिकतर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि आप किस प्रकार से आप किसी भी भाववाचक संज्ञा को, आप जो ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को किस प्रकार से हम कलेक्टिव नाउन में चेंज करेंगे, अगर कलेक्टिव नाउन है किस प्रकार से उसको हम कॉमन नाउन में चेंज करेंगे, चेंज करने के लिए आता है। किस प्रकार से अगर कोई भाववाचक संज्ञा है तो भाववाचक संज्ञा को किस प्रकार से हम जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट करेंगे, भाववाचक संज्ञा को किस प्रकार से हम प्रॉपर नाउन में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों चौथा प्रकार देखेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा इसमें देखेंगे क्या होता है, गोल्ड आ जाता है, सोना, चांदी, लोहा, कॉपर,
और वुड यानी लकड़ियां, ये सभी चीजें क्या होती हैं, ये सभी चीजें पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती हैं। अवस्टक नाउन क्या हो जाता है, जितने भी जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों से किसी चीज का अगर निर्माण होता है तो उन चीजों को हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अवस्टक नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञाएं जिनको हम छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसी संज्ञाएं, वे सभी जो भाव होते हैं उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऑनेस्ट, अगर ऑनेस्ट लिखा हुआ हो तो वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव कहलाएगा, लेकिन अगर हम टी वाई इसमें ऑनेस्टी लगा देंगे, ईमानदारी, ईमानदार, वह व्यक्ति ईमानदार है, तो विशेषता हो जाएगी, वह व्यक्ति की विशेषता हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगा वो। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि अगर हम एडजेक्टिव को किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करें, भाववाचक संज्ञा को कैसे हम एडजेक्टिव बनाएं, विशेषण बनाएं, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके टेट और सुपर टेट में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ऑनेस्ट लिखा हुआ है, ऑनेस्ट लिखा हुआ यानी ईमानदार, ईमानदार लिखा हुआ है तो वो आएगा किसमें, एडजेक्टिव में। ऑनेस्टी अगर लिख दिया गया ईमानदारी, तो ईमानदारी आ जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा में। इसी प्रकार से चाइल्ड अगर आ गया, बच्चा, चाइल्ड क्या हो गया, बच्चा। अब बच्चे की क्या है, एक कॉमन नाउन है, एक अलग उसका वर्ग होता है, आप किसी बड़े व्यक्ति को बच्चा नहीं बोल सकते हो, तो उसका एक अलग वर्ग होता है, ये किसमें आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन अगर इसमें हुड लगा देते हैं, अगर चाइल्डहुड कर दिया गया, तो इसका मतलब हो जाएगा अवस्टक नाउन बन जाएगा बचपन। तो जब बचपन हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, अवस्टक नाउन। इसी प्रकार से अगर काइंड कह दिया जाए, वह दयालु है, तो अगर उसकी विशेषता है कि वह दयालु है, या आ, आ, किसी का नाम ले लिया जाए, है ना, कि रमेश दयालु है, तो वहां पर दोस्तों देखेंगे रमेश की विशेषता है कि वह कैसा है, वो दयालु, यानी वो क्या है, एडजेक्टिव है, काइंड है, एडजेक्टिव किसकी, जो काइंड है वो क्या हो जाएगा, वो विशेषता हो जाएगी किसकी, रमेश की, अर्थात वो हो जाएगा एडजेक्टिव हमारा। लेकिन अगर उसी में नेस लगा देते हैं, काइंडनेस, अगर नेस लग जाता है तो हमारा चेंज हो जाता है अवस्ट्रक्ट नाउन में, तो ये हो जाएगा काइंडनेस यानी दयालुता। ब्रेवी, अगर ब्रेव है तो वो क्रिया में आएगा, अगर ब्रेव है तो क्रिया में आएगा, लेकिन अगर आर वाइस में लगा दे, ब्रेवरी कर दिया जाए, बहादुरी, तो ये किसमें, भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाएगा। चोर, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे चोर, अगर लिखा हुआ है थीफ, थीफ किस होता है, चोर, तो चोर क्या हो गया, ये कौन सी संज्ञा हो गई, तो चोर एक प्रकार का वर्ग हो गया, चोरों का एक प्रकार का, अगर किसी को साहूकार कहेंगे तो उनका एक अलग वर्ग होगा, यानी वो जाति में आ गए, और अगर चोर कह देंगे उनकी अलग अलग उनका वर्ग होता है, तो वहां पर अगर हम चोर अगर केवल थीफ बोलते हैं तो आएगा कॉमन नाउन में, लेकिन वहीं पर थीफ को हम थेफ्ट कर देते हैं, अगर अगर हम थेफ्ट कर दे, चोरी, चोर का चोरी, अगर चोरी कर देंगे तो वो हो जाएगा अवस्ट्रक नाउन। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर क्या जो भाववाचक संज्ञा है, इसको हम जो लास्ट वाले वर्ड हैं इनको हम हटा करके, अगर लास्ट वाला वर्ड हट जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, भाववाचक संज्ञा में, सॉरी जातिवाचक संज्ञा में। और अगर इसमें भी देखेंगे, अगर हम कलेक्टिव नाउन को, ध्यान समझना सर जी, देखो दोस्तों इसमें क्या करना है, अगर इसमें अभिबहुवचन बनाने के नियम बताएंगे, देखो अलग अलग है, यहाँ पर क्या ईएस लिखा हुआ बहुवचन बनाने के लिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आई ई एस लिखा हुआ, यानी बाई को हटा कर क्या लगाए हैं, आई ई एस, तीन वर्ड लगाए। यहां पर अगर डबल एस आ जाएगा तो यहां पर क्या लगाना है, आपको ई एस लगाना है, अगर एम लिखा हुआ तो एस लगाना है, यहां पर देखेंगे वाई लिखा है तो इसमें आई ई एस जुड़ गया, वाई लिखा है तो आई ई एस जुड़ गया। तो इसका जो नियम होता है बहुवचन बनाने का, वो हम अभी आपको नंबर्स के माध्यम से बताएंगे यहाँ पर। लेकिन आपको ध्यान देने वाली ये बात है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड है, इनको बहुवचन बनाओगे तो ये चेंज हो जाएंगे किसमें, कॉमन नाउन में। यहां पर भी अगर इसके लास्ट वाला वर्ड हटाओगे तो ये चेंज हो जाएगा कॉमन नाउन में। अगर कोई कॉमन नाउन वाला वर्ड आता है और उसमें अगर हम बहुवचन बनाते हैं तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, समूहवाचक संज्ञा में। और यही क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा को हम चेंज करेंगे कॉमन नाउन में। तो दोस्तों
एक छोटा सा वीडियो और इसके माध्यम से आपको जानकारी हुई कि संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के कितने पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं दोस्तों? 5 पार्ट होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव मटेरियल और अवेस्टिव नाउन। 5 पार्ट हो गए। इन 5 पार्टों को आपको एक दो बार लगभग ये वीडियो देख लेनी है और इसको नोट कर लेना है। अगर प्रॉपर नाउन को क्या, अगर आप ये इसका हिंदी समझ रहे हैं कि प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, तो एक विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष जो वस्तु होती है उसके नाम को हम क्या बोल देंगे? प्रॉपर नाउन बोल देंगे। जैसे महात्मा गांधी, अब एक ही विशेष व्यक्ति हैं, सभी लोग इनके नाम से परिचित हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सभी लोग इनके नाम से परिचित हैं, अतः ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। दिल्ली, मुंबई, आगरा, ये है तो सिटीज बट ये आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्योंकि ये विशेष सिटीज हैं। यहाँ पर गंगा, यमुना, ये रिवर हैं। अगर इनको रखा जाए तो अगर रिवर यहाँ पर लिख देंगे तो किसमें आ जाएगा? कॉमन नाउन में। लेकिन अगर इनका नाम बताएंगे, अगर रिवर्स का नाम बताएंगे तो किसमें आएगा? प्रॉपर नाउन में। अगर यहाँ पर रिवर लिख दिया गया तो आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में, आ जाएगा कॉमन नाउन में। अगर रामायण लिखा हुआ है तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा। अगर यहाँ पर रामायण की बुक लिख दी जाए, रामायण की किताब, केवल बुक अगर जोड़ दिया जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसी प्रकार से माउंट एवरेस्ट, सभी लोग इससे परिचित हैं, तो विश्व के सबसे ऊंची चोटी है, तो ये जो वर्ड हैं ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ये जो कॉमन नाउन है जातिवाचक संज्ञा में, कलेक्टिव नाउन में भी हमने लिख लिया, और मटेरियल नाउन और वेस्टिव नाउन। तो इस प्रकार से आपका ये नाउन कंप्लीट होता है और एक एक वीडियो, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से ही आपको, इसके बाद हम प्रोनाउन के बारे में बताएंगे, और नहीं, इससे पहले आपको हम बताएंगे नंबर्स के बारे में, किस प्रकार से एक वचन को बहुवचन बनाया जाता है, कहाँ पर हम IES लगाएंगे, कहाँ पर SSS लगाएंगे, कहाँ पर, तो किस प्रकार से हम ऐड करेंगे लास्ट में वर्ड, ये पहले बात होगी। और इसके पश्चात में आपको हम बताएंगे जेंडर के बारे में, किस प्रकार से जेंडर को चेंज करना है, जेंडर कौन कौन से होते हैं, देन वी नो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के बारे में जानकारी करेंगे, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो बारी बारी से सभी पार्ट आप स्पीच का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, और इसके अतिरिक्त आपको कौन से टॉपिक पर पहले वीडियो चाहिए अगर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो उस पर हम कोशिश करेंगे कि पहले वीडियो बनाई जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।